I would like to thank THQ Nordic for providing an early review copy. With that aside, please enjoy the show. AEW Fight Forever या All Elite Wrestling एक ऐसी चीज है जिस पर सभी wrestling fans को serious attention देने की जरूरत है। अब मैं समझता हूँ कि The Undertaker, The Hitman, Triple H, The Rock और John Cena जैसे अपने favorite WWE superstars को देखते हुए बड़े होते हुए हमने कभी AEW पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया होगा। लेकिन मुझ पर यकीन करें, ये WWE की comparison में एक अलग ही fresh alternative है mainstream wrestling promotions में, एक अलग style और एक अलग approach के साथ। AEW ने wrestlers की एक talented roster को assemble किया है जिसमें जाने पहचाने नाम और अपकमिंग टैलेंट भी शामिल है। सुपरस्टार जैसे क्रिस जेरिको, जॉन मॉक्सली फॉर्मली नोन एज डीन एम्ब्रोस इन WWE, केनी ओमेगा, कोरी रोड्स और मेरी पर्सनल फेवरेट CM Punk। AEW में क्रेडिबिलिटी और एक्साइटमेंट लाते हैं, और अब जब AEW एक बड़ी सक्सेस स्टोरी बन चुकी है, WWE SmackDown Here Comes the Pain और SmackDown vs Raw जैसे वीडियो गेम्स के लेजेंडरी और आइकॉनिक डेवलपर यूक्स अपने ए गेम और लगभग 30 साल के एक्सपीरियंस को AEW Fight Forever में ला रहे हैं। फ्रेंड्स, आई हमली प्रेजेंट माई रिव्यू ऑफ AEW Fight Forever। इससे पहले कि मैं अपनी रिव्यू शुरू करूं, आई नीड टू बी रियली ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ सेटिंग योर एक्सपेक्टेशंस स्ट्रेट। AEW फाइट फॉरएवर WWE 2K गेम्स की प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ कम्पीट करने की कोशिश नहीं कर रही है, और अगर आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। AEW के प्रमोशनल वाइस प्रेसिडेंट और इसकी इन रिंग टैलेंट्स में से एक केनी ओमेगा ने साफ लफ्जों में ऐसा कहा है और एक्सप्लेन किया है कि AEW सिर्फ क्लासिक रेसलिंग मैचेस को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है जिन्हें हम पसंद करते हैं और जिनसे हम प्यार करते हैं। तो आप AEW फाइट फॉरएवर से एक ग्राफिकल और विजुअल ओवरहॉल की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आप एक रिच इमर्सिव गेम प्ले एक्सपीरियंस की तलाश में हैं, जिसकी एम प्रोफेशनल रेसलिंग के एक्शन और एक्साइटमेंट को रेप्लिकेट करना है, जिसमें प्लेयर्स सिग्नेचर मूव्स परफॉर्म कर सकते हैं, ट्रैपलिंग सीक्वेंसेस एक्सीक्यूट कर सकते हैं और अलग अलग मैच वैरायटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो यू गोइंग टू डेफिनेटली एंजॉय योर स्टे। इसके अलावा AEW फाइट फॉरएवर में WWE के जाने पहचाने चेहरे भी शामिल हैं जो अब AEW में है। इनमें क्रिस जेरिको, डीन एम्ब्रोस, डैनियल ब्रायन, क्रिश्चियन, CM Punk, कोडी रोड्स, डस्टिन रोड्स, जेफ हार्डी, मलाइका ब्लैक जो WWE में एलिस्टर ब्लैक के नाम से जाना जाता था, द हाई फ्लायर नेविल जिसका नाम यहाँ पैक है, और बड़े नाम जैसे स्टिंग भी यहाँ शामिल है। और फिर AEW के पॉपुलर रेसलर्स जैसे केनी ओमेगा, रे फिनिक्स, एडम पेज, MJF, ऑरेंज कैसिडी भी यहाँ है। सो द रोस्टर इज क्वाइट टैलेंटेड। अब मुझे याद है मैंने अपनी हेलो इन्फिनिट के रिव्यू में कहा था गेम प्ले इज किंग एंड बॉय AEW टेक्स दिस टू द नेक्स्ट लेवल इन द गेम। आइए गेम की वेरियस गेम मोड्स और मैच टाइप्स को पहले समझते हैं। तो गेम को लॉन्च करने पर एग्जीबिशन, ऑनलाइन, कस्टम, रोड टू एलीट, चैलेंजेस और शॉप की कैटेगरीज को मिलेंगे। हम यहाँ सबको डिस्कस करेंगे। द एग्जीबिशन में 9 गेम प्ले ऑप्शंस शामिल हैं: 1-on-1, 2-on-2, 3-way मैच, 4-way मैच, कैसीनो, बैटल रॉयल, एक्सप्लोडिंग बार्ब वायर, डेथ मैच, लैडर मैच, मिनी गेम्स और ट्रेनिंग। मुझे लगता है कि हम सब जानते हैं कि 1-on-1, 2-on-2, 3-way, 4-way और लैडर मैचेस क्या होते हैं। कैसीनो बैटल रॉयल WWE की रॉयल रंबल की AEW वर्जन है, पर यहाँ आपको अपने एंट्री स्पॉट चुनने के लिए एक मिनी गेम मिलती है। मैं एक्सप्लोडिंग बार्ब वायर डेथ मैच के बारे में बात करना चाहूंगा जो कुछ नया है। यहाँ रिंग को एक्सप्लोसिव बार्ब वायर से रैप किया जाता है, बेसिकली रोप्स के कांटेक्ट में आने से आपको बचना है। और जैसे ही यह कुछ ज्यादा नहीं था, रिंग के हर 2 मिनट के टाइमर के बाद एक्सप्लोड हो जाती है ये रिंग, और डिटोनेशन के समय रोप्स के सबसे करीबी रेसलर को मैक्सिमम डैमेज होती है। कॉर्नर्स पर टेबल लाइन होते हैं और उन पर भी बार्ब वायर लाइन होते हैं, और द गेम डज नॉट होल्ड बैक शोइंग ब्लड एज वेल। इन मैचेस के दौरान आउटकम ब्रूटल होती है। खून की ये छवि ऑडियंस की ओर से स्ट्रॉन्ग इमोशंस और रिएक्शंस को इवोक करते हैं और मैचेस को ओवरऑल ड्रामेटिक और सस्पेंस को बढ़ा देते हैं, और रेसलर्स की परफॉर्मेंस पे एलिमेंट ऑफ डेंजर और विजुअल इंपैक्ट पेश करती है। इससे पहले कि हम किसी और मोड पर ध्यान दें, आइए सबसे जरूरी चीज गेम प्ले पर नजर डालते हैं। आप ग्रैपल हाई स्ट्राइक्स, लो स्ट्राइक्स, स्ट्रॉन्ग अटैक्स, ग्रैपल गार्ड, स्ट्राइक गार्ड पिन, लेफ्ट स्टिक को सेम डायरेक्शन में टैप करके इवेड, राइजिंग अटैक्स, आयरिश व्हिप, स्प्रिंग बोर्ड, रिंग साइड से वेपन्स निकालना, और एक मैकेनिक जिसे डेस्परेशन इंपल्स कहा जाता है जो एक बार एक मैच तक सीमित होती है परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आप के फिनिशर्स, सिग्नेचर्स और टॉन्स होते हैं। आप एक्स्ट्रा फिनिशर्स और सिग्नेचर्स के एम्प्टी स्लॉट्स को फिल
स्किल कर सकते हैं जैसे जैसे आप गेम में प्रोग्रेस करते हैं। आप किसी भी अटैक को काउंटर कर सकते हैं, टैग टीम मूव्स परफॉर्म कर सकते हैं, बेसिकली मोस्ट ऑफ द मूव्स यू सी इन अ रेसलिंग गेम। जब मैंने मेंशन किया कि AEW गेम प्ले को नेक्स्ट लेवल पर लिए जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट इस फैक्ट के साथ आता है कि गेम की इंटुएटिव और रिस्पॉन्सिव कंट्रोल्स आपको ये मूव्स और कॉम्बोज को एफर्टलेसली परफॉर्म करने देती है। गेम की इजी टू लर्न मैकेनिक्स डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी की एक अच्छी बैलेंस को जोड़ती है जो हार्डकोर गेमर्स और एडवांस गेमर्स और कैजुअल गेमर्स सभी को पसंद आएगा। अब जब मैंने वेरियस मैच टाइप्स और गेम प्ले को डिस्कस कर लिया है, तो मिनी गेम्स और अन्य गेम ऑप्शंस पर उनकी मैकेनिक्स पर एक नजर डालते हैं। मिनी गेम्स में आपको 3 अलग-अलग मिनी गेम्स मिलेंगे। यहां आप पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं और मैक्सिमम पॉइंट्स इकट्ठा करके आप जीतते हैं। और हर बार जब आप रोड टू एलीट को कंप्लीट करते हैं, जिसे हम बस कुछ देर में ही डिस्कस करेंगे, एक नया मिनी गेम शॉप में अपीयर होती है परचेस के लिए। तो यहां चिप्स टुगेदर, AEW पॉप क्विज और पेंटा सेट्स मोड्स हैं। चिप्स गैदर मोड में आपको बस गिरने वाले चिप्स को इकट्ठा करनी पड़ती है और गिरते हुए बॉम्ब्स को अवॉइड करना पड़ता है। AEW पॉप क्विज में आपको बेसिकली AEW के हिस्टोरिकल सवालों के जवाब देनी पड़ती है और आखिरी में आपको पेंटा की पोजेस को रिथमेटिकली म्यूजिक के साथ रेप्लिकेट करनी पड़ती है। ये मेन गेम की एक्सपीरियंस से एक ब्रेक जैसी होती है और एक रिफ्रेशिंग चेंज ऑफ पेस देती है। ऑनलाइन ऑप्शन में आप रैंक मैचेस, कैजुअल मैचेस या प्राइवेट ऑनलाइन मैचेस अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। चैलेंजेस के नीचे आपको डेली, वीकली और नॉर्मल चैलेंजेस मिलेंगे, जिससे आप AEW कैश या इन गेम मनी या करेंसी कमा सकते हैं। आप बाद में इस इन गेम करेंसी से शॉप के सेगमेंट को विजिट करके अपैरल्स, अरीना कस्टमाइजेशन ऑप्शंस, मूवसेट्स, एंट्रेंसेस और अवेलेबल सुपरस्टार्स को भी खरीद सकते हैं। गेम में कोई माइक्रो ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आप आराम से रिलैक्स हो जाएं और आप हर एक आइटम इन गेम शॉप से कमाए हुए पैसे से खरीद सकते हैं। गेम में टन्स ऑफ कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं। आप किसी भी एग्जिस्टिंग रेसलर को कस्टमाइज या मॉडिफाई कर सकते हैं, एक नया रेसलर, एक नई टीम या एक नई अरीना को क्रिएट कर सकते हैं। आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज्ड एट द कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आई कुड प्ले अराउंड विद। स्ट्रीट क्लोथ से शुरू करके जहां आप टॉप्स चूज कर सकते हैं, मूव सेट्स तक जहां आप सिग्नेचर मूव सेट्स, फिनिशर्स, टॉन्स, बेस मूव्स और एडवांस मूव्स तक कस्टमाइज कर सकते हैं। सही कहूं तो मैंने पहले किसी रेसलिंग गेम में हाल फिलहाल में इतनी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस नहीं विटनेस किए हैं। आप अरीनास की अपीयरेंस को, मैचअप स्क्रीन को और ट्रांजिशन इफेक्ट को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप रिंग्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, उनके मैच से शुरू करते हुए रोप्स, कॉर्नर पोस्ट, कॉर्नर जॉइंट्स, टर्न बकल कवर्स, रिंग साइड के एप्रन्स, स्टेज रैम वीडियोस को, एंड आई मीन इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। और फिर गार्ड रेल्स होते हैं, LED लाइट्स को, स्ट्रीट लाइट्स को, स्पॉट लाइट्स को, और जैसे कि ये काफी नहीं था, आप खुद की प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप मैचेस के दौरान और मेन्यू में सिर्फ अपनी ही चॉइस की म्यूजिक को सुने। रोड टू एलीट्स शायद वो जगह है जहां मैंने अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताया। मैंने केनी ओमेगा, CM पंक और कोडी रोड्स को लेकर खेला, और ये गेम मोड WWE 2K गेम्स के करियर मोड से मिलता जुलता है। यहां आप अलग अलग मैचेस में हिस्सा ले सकते हैं जो पेपर व्यू इवेंट जैसे कैसीनो बैटल रॉयल से लेकर एग्जीबिशन मैचेस तक रेंज करते हैं। पर जिस चीज ने मेरी ध्यान आकर्षित किया वो यहाँ कैरेक्टर प्रोग्रेशन है इस मोड की। आप लॉस वेगस से लेकर वॉशिंगटन DC तक पूरे अमेरिका में ट्रैवल करते हैं और साइन एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं। अपने लंबे मैचेस के दौरान आप या तो इंजर हो जाते हैं या स्टैमिना या हेल्थ लूज करते हैं। लोकल हॉस्पिटल विजिट करके आप इलाज करा सकते हैं और हेल्थ रिकवर कर सकते हैं। स्टैमिना रिकवर करने के लिए आप लोकल रेस्टोरेंट्स में डाइन कर सकते हैं और उस जगह की लोकल स्पेशल डेलिकेसी या पॉपुलर डिश को ट्राई कर सकते हैं, जैसे जंबो स्लाइस फ्रॉम लॉन्ग डो इन वॉशिंगटन DC। स्ट्रेंथ रिगेन करने के लिए आप लाइट स्टैंडर्ड या इंटेंस वर्कआउट कर सकते हैं जिम में। द टफर द वर्कआउट द मोर स्किल पॉइंट्स यू गेन, लेकिन ऐसा करने से आपकी इंजरी के चांसेस ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाते हैं और एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ जाती है। अपने सफर में आप रेसलर्स और लेजेंड्स से मिलते हैं, एयरपोर्ट्स में, बैक स्टेज में, कार ड्राइव्स में आप अलायंसेस बिल्ड करते हैं और चैंपियनशिप मैच तक पहुंचने के लिए यू वर्क योर वे ऑल द वे अप। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिनको मुझे हाईलाइट करना है। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू से राइट ऑफ द बैट इज द फैक्ट, वो ये है कि सुपरस्टार्स की एंट्रेंसेस को कट शॉर्ट किया गया है और काफी हद तक। और मुझे लगा कि पहली बार AEW को एक्सपीरियंस करने वाले किसी के लिए भी ये एंट्रेंसेस व्यूअर्स को कैप्टिवेट करने का काम करते हैं, एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन को जनरेट करते हैं अपने स्पेशल इफेक्ट्स, पायरोटेक्निक्स, लाइटिंग और म्यूजिक और ऑडियंस के सिंग अलोंग मोमेंट्स के साथ। दूसरी बात, AEW फाइट फॉरएवर को WWE 2 के इंस्टॉलमेंट से कंपेयर करते वक्त मैंने पाया कि जनरल मैनेजर मोड, जहां आप एक जनरल मैनेजर की रोल प्ले करते हैं, यहां मिसिंग है। और यहां तक कि AEW के हिस्टोरिकल और आइकॉनिक मैचेस को दर्शाती शोकेस मोड भी यहां नहीं है। खुद गेम खेलते वक्त किसी पिन या सबमिशन मूव से बचने के लिए बटन मैशिंग से हटकर कोई इनोवेटिव मिनी गेम नहीं है। कॉमेंट्री एक और फैक्टर है जिसमें मैंने इनकंसिस्टेंसी पाया, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट दैट WWE लेजेंड एंड हॉल ऑफ फेम जिम रॉस इज अ पार्ट ऑफ AEW नाउ। लेकिन कुल मिलाकर जब मैंने खुद से पूछा कि क्या मैंने AEW फाइट फॉरएवर को अपने 15 घंटे की प्ले थ्रू में एंजॉय किया, देन द आंसर आई गेट इज अ रीसाउंडिंग यस। देखने में भले ही ये WWE 2K गेम्स के बराबर नहीं हो, लेकिन मैंने गेम की रियल लाइफ रेसलिंग की एसेंस, इसके प्रेजेंटेशन, एटमॉस्फेयर, रेसलर की रोस्टर को अप्रिशिएट किया। रेसलर्स की एक्यूरेट लाइकनेसनेस, उनकी सिग्नेचर मूव सेट्स और डाइवर्स और एक्सटेंसिव रोस्टर जिसमें करंट और लेजेंडरी स्टार शामिल है, AEW फाइट फॉरएवर में एक अपील जोड़
करते हैं। साथ ही गेम में रोड टू एलीट जैसे स्टोरी ड्रिवन कैंपेन, एग्जीबिशन मैचेस, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर, क्रिएशन बेस्ड मोड्स, खास तौर पे इसकी इमेंसली डेंस कस्टमाइजेशन ऑप्शन, और हाँ इसकी शॉप बिना किसी मोनेटाइजेशन के आर द स्टार ऑफ द शो, और मैं आसानी से रेसलिंग फैंस को ये गेम रेकमेंड कर सकता हूँ। आई वुड लाइक टू विश यूक्स ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर AEW गेम्स एज ऑफ नाउ, एंड दिस इज द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। वीडियो को अंत तक देखने के लिए नीरोमांसर का तहे दिल से शुक्रिया।